कहता है कि खेती में सिर्फ नुकसान होता है, खेती के दम पर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। बाराबंकी की गीता से अब हम आपको मिलवाते हैं, जिसने गुलाब की खेती कर तमाम न सिर्फ रोजगार का अच्छा जरिया ढूंढा है, बल्कि अपने परिवार को आर्थिक तंगी से भी उबारा है। फूलों की खेती ने बाराबंकी के किसानों की तकदीर बदल दी है। अब लोग परंपरागत खेती को छोड़कर फूलों की खेती पर निर्भर होने लगे हैं। ऐसे ही किसानों में से एक किसान की कहानी आपको बताते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से इस खेती को एक नई ऊंचाई दी और यहाँ तक अपने पति को भी मौत के मुंह से खींच कर ले आई। आइए जानते हैं क्या है गीता की कहानी। खेती घाटे का सौदा है, लागत ज्यादा और मुनाफा कम, लेकिन इस कड़वे सच को अपने जज्बे की बदौलत झुठलाने का काम किया है बाराबंकी के मोहम्मद विशुनपुर की रहने वाली गीता मौर्या ने। एक मिडिल क्लास परिवार की गीता 3 दशक पहले जब ब्याह कर मोहम्मदपुर आई थी, तो उसकी ससुराल में परंपरागत खेती हुआ करती थी। खेती में गेहूं, धान और आलू उगाई जाती थी। इससे होने वाली आमदनी से परिवार चलाने भर का इंतजाम हो पाता था। करीब 10 साल पहले गीता के पति गया प्रसाद ने कुछ लोगों की देखा देखी अपने खेत में गुलाब बोना शुरू किया। कुछ साल काम चला, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद गीता ने खुद कमान संभाली। लखनऊ में मौजूद सी मैप में उसने ट्रेनिंग ली और देसी गुलाब की फसल शुरू की। जब मैं यहाँ ससुराल में आई तो मेरे यहाँ धान गेहूँ यही सब होता था, तो मैंने 2009-10 में सीमाइप से मुझे प्रतिक्षण मिला, तो उन्होंने बताया कि ये पौधे ले जाओ फूल के, तो अपने यहाँ लगा दो, तो हमने फूल की खेती करने लगा। जब फूल की खेती करने लगी तो हमें बहुत फायदा हुआ, फिर धीरे धीरे मैं बहुत उसकी देख रेख की और आगे बढ़ाने को सोचा, और मेरी खेती मैंने बहुत ज्यादा खेत में लगा दिया, आमदनी अच्छी होने लगी तो मैंने बढ़ा दिया। अभी ये सब शुरू ही हुआ था कि गया प्रसाद को कैंसर हो गया। बीमारी से लड़ने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। गीता ने हिम्मत नहीं हारी, एक तरफ अपने पति का इलाज कराया तो दूसरी तरफ खेती भी जारी रखी। मैं जब कैंसर जैसी बीमारी का मुझको पता चला तो मुझे क्या था, मुझको तो टेंशन होना था, लेकिन ये तो पत्नी का सौभाग्य और उनकी देन है जो कि वो हिम्मत के द्वारा अपने करती रही। गीता ने आधे एकड़ में शुरू की गुलाब की खेती को और बढ़ाया। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती गई उसने और खेत खरीद लिए। गीता के पति ने भी ठीक होने के बाद खेती में मदद की। गीता अब करीब 3 एकड़ में ये खेती कर रही है। सबसे कमजोर सीजन में भी उसके खेत से 50 किलो गुलाब रोजाना निकलते हैं और इस हालत में भी उसे 2000 रुपए रोजाना की आय होती है। साल में इस काम से बचत करीब 5 लाख की हो जाती है। वाइफ को सीमा लखनऊ के द्वारा प्रशिक्षण मिला गुलाब का, फिर वहाँ से गुलाब के पौधे नूर जहाँ रानी साहिबा बराकी के मिले, उससे गुलाब जल बनाने का प्रशिक्षण हमारी पत्नी को मिला, तो उससे गुलाब जल भी बनता है। और फूलों की खेती में हमको प्रॉफिट अच्छा नजर आया, इसलिए फूलों की खेती तो पहले कितने एरिया में आपने शुरुआत की थी, आज कितने क्षेत्र? पहले तो हमारे पास एक मुश्किल से आधा एकड़ था, उसके बाद आज तो 3 एकड़ से भी ज्यादा है गुलाब। तो कितनी साल में आपको बचत हो जाती है? इससे जो है 4-5 लाख की बचत हो जाती है टोटल खर्चा काट के। इस बीच गीता ने एक प्लांट भी लगा लिया जिसे वो गुलाब जल भी बनाती है। हालांकि ये काम कुछ खास मौके के लिए ही है। दरअसल बाराबंकी के देवा शरीफ में हर रोज 6 से 7 क्विंटल फूलों की खपत होती है, जिसके चलते गुलाब के फूलों की बिक्री की कोई समस्या नहीं। लेकिन अब इन किसानों ने लखनऊ का रुख किया है। इसके साथ गीता ने तमाम विदेशी फूलों की खेती भी शुरू कर दी है। गीता से प्रेरणा लेकर गाँव के कई किसानों ने भी गुलाब की खेती शुरू की। फूलों के अलावा गीता मौर्या ने सतावर, चेरी, टमाटर जैसी अन्य खेती में भी अपने हाथ आजमाए और लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही है। तो आपने देखा कि किस तरह एक साधारण ग्रामीण परिवार से आने वाली गीता ने न केवल अपने पति को मौत के मुंह से निकाल लिया, बल्कि फूलों की खेती कर इस पूरे बाराबंकी इलाके में एक नई ऊंचाई, एक नया मकाम भी हासिल किया है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7 बाराबंकी।